हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स हम सफ़र पे। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो काफ़ी शानदार रहने वाला है। जैसा कि आपको पता है कि अब 24 अप्रैल को आपका एग्ज़ाम है बिहार दरोगा, जो 2213 सीट आई हैं। तो देखिए, अब आपका तैयारी परिपूर्ण हो चुका है। अब आपको लास्ट में जो कॉन्फिडेंस है, वही कॉन्फिडेंस आपको सिलेक्शन तक ले जाएगा, ठीक है। अब देखिए, इसी में होता क्या है कि यही 3 घंटे आपके पिछले जितने दिनों की मेहनत है वही डिसाइड करता है। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो एवरेज होते हैं और एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छा कर लेते हैं और उनका सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जो काफ़ी मेहनत करते हैं फिर भी उनका एग्ज़ाम में 1-2 नंबर से रह जाता है। तो ये वीडियो उन्हीं के लिए है कि देखिए, आप एग्ज़ाम में 4 से 5 नंबर कैसे बढ़ाएँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को अपने ध्येय वाक्य से, चलो ग्रामीण प्रशासन में। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। ततो फ्रेंड्स, देखिए, आपके टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे और पर क्वेश्चंस पे 2 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। अब हम बात करें पिछले कटअप के अनुसार, जो 2446 दरोगा की बहाली आई थी उसमें कटअप अराउंड 2980 था, जो जनरल कैंडिडेट का था। तो इस बार कटअप तो वही रहेंगे या उससे, वो तो डिपेंड टोटली करता है कि लेवल ऑफ क्वेश्चंस पे। जैसे पिछले बार एवरेज लेवल के क्वेश्चंस थे, यदि उसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो कट ऑफ मोर और लेस वही होगा, ठीक है। तो आपको लेकर के चलना है कि कैसे हम 3 से 4 नंबर बढ़ाएं एग्ज़ाम में, ताकि जिस तरह से लोग 1, 2, 3 नंबर से छूट जाते हैं वह न छूटें। तो देखिए, सबसे पहले आपको 100 क्वेश्चंस मिलेंगे तो उसे 3 इटरेशन में बनाना है। 3 इटरेशन कहने का मतलब ये हुआ कि 3 बार आपको लगाना है टोटल पेपर। पहली बार आपको उन क्वेश्चंस को लगाना है जिस क्वेश्चंस पे आप कंफर्म हैं, ठीक है, उसको आप टिक आउट कर लीजिए। और जो दूसरी बार जो उन क्वेश्चंस को लगाना है जिसमें आपको डबल ऑप्शन में कंफ्यूजन है, और डबल ऑप्शन वाले क्वेश्चंस मोस्टली देखिए सही हो जाते हैं यदि आप थोड़े से ट्रिक यूज करते हैं और ऑप्शन का एलिमिनेशन करते हैं। अब बात रही बचे हुए क्वेश्चन जिनमें आपको कोई आइडिया नहीं लग रहा है, तो उस तरह के क्वेश्चंस में आप देखिए, मोस्टली देखा गया है कि ऑप्शंस बी और सी काफ़ी होते हैं, ठीक है। तो आप बी और सी ऑप्शंस को अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चंस सही हो जाएंगे, लेकिन क्वेश्चंस ज़्यादा सही होंगे, ऐसा कई बार देखा गया है, ठीक है। बी और सी ऑप्शंस आप इस्तेमाल कर सकते हैं जिस क्वेश्चंस में आपको कुछ नहीं आ रहे हैं। चलिए, तो ये मैंने 3 इटरेशन आपको बताए। अब देखिए, बात होती है कि आपका एग्ज़ाम जो होगा, पता ही होगा, पहले हिंदी का पेपर होगा, इसके बाद फिर जीएस का पेपर होगा। तो हिंदी के पेपर्स बस पासिंग मार्क्स लाने होते हैं 33 नंबर, तो आप 33 क्वेश्चंस आपको 100 में से सही करने होते हैं, 33 × 2 66 मार्क्स आपको लाने होते हैं। चलिए, अब हम बात करें GS2 की। तो GS2 का आपका प्रिपरेशन हो ही चुका है, अब आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है, और कॉन्फिडेंस आपके अंदर से आएंगे, ठीक है। अभी आपको लग रहे होंगे कि मेरा पॉलिटी का सेक्शन छूटा हुआ है, हिस्ट्री का कुछ चैप्टर छूटा हुआ है। देखिए, तैयारी कभी पूरी नहीं होती, चाहे वह BPSC की तैयारी कर रहा हो, UPSC की तैयारी कर रहा हो, या फिर कोई अन्य एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो। तो तैयारी कभी नहीं पूरी होती, बस आपका मोराल को अप रखना है, और मोराल अप रखिएगा तो आपके मार्क्स ज़रूर बढ़ेंगे, ठीक है। यदि आपके मन में और भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उससे मैं त्वरित उसका जवाब दूंगा, ठीक है। और फ्रेंड्स, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम, आप एग्ज़ाम को अच्छे से दें, और हम दुआ करते हैं कि कल आपका बेस्ट डे रहे एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। और आप भी 2213 दरोगा में राजगीर में आकर के सिलेक्शन होने के बाद फिर ट्रेनिंग प्राप्त करें। तो चलिए, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।